मैं फाइनली इसका लुक चेंज कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, जय माता दी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजबाला और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा सोफा कवर जिसे आप मतलब आपको अगर सिलाई करना भी नहीं आता ना तो भी बना ये मतलब इस कपड़े से पूरा सोफा हमारा जो कवर हो जाए, उसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ट्रिक दूंगी। उसको जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मत खिसकाइएगा। ऐसा ना हो कि आपने वहां से वीडियो खिसका दी और ट्रिक उसी में निकल गई। तो एक एक चीज को ध्यान से देखिए, तभी आप लोग अच्छे से सोफा कवर बना पाओ। आजकल इस तरह के जो वेलवेट के जो कवर है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो कॉस्टली आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको घर पे ही बनाना बताऊंगी कि ये कवर आप मतलब बहुत ही कम खर्चे में, ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खर्चा नहीं होगा, खर्चा होगा लेकिन कम होगा। तो चलिए, ज्यादा खर्चा होने से कम खर्चा होना अच्छा है। तो इसीलिए आप इस तरह का कपड़ा खरीद के ले आइए, दिखा देती हूँ पास से। ये देखिए कितना प्यारा, ये जो है ये लाइट रेड है, आपकी मर्जी आप मेहरूम लीजिए, ग्रीन लीजिए, जैसा भी आप अपने घर के हिसाब से, जैसा भी आपका लिविंग एरिया का मतलब जहाँ पे आपका सोफा है उस वहाँ पे जैसा भी सूट करता है आप उस तरह का कपड़ा लें, बना लें। जब आप इस सोफा कवर को लगाओगे ना सोफे पे तो बिल्कुल ये ऐसे लगेगा जैसे आपने कवर नहीं लगा रखा और रियल आपका सोफा है। तो देख लीजिए कितना प्यारा कपड़ा है। और ये जो कपड़ा है, कपड़ा भी मैं आप लोगों को बता दें, ये जो कपड़ा मैंने लिया है लोकल मार्केट से लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे महंगा ही पड़ा है, लेकिन जो मैं ऑनलाइन मंगाती तो उससे सस्ता है। ठीक है, आप चाहो तो मतलब जैसा भी बना सकते हो, आपके ऊपर है टोटली कि आपको किस तरीके का बना। मैं आप लोगों को सिर्फ तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने मेरे पास है सोफा 5 सीटर, तो ये 3 सीटर के लिए लिया है मैंने 4 मीटर कपड़ा। तो 4 मीटर कपड़े को हम इस तरीके से जो इसका ये है ना, और आप ध्यान रखिए कि जब आप कपड़ा खरीद के लाएं तो आपको मतलब 60 से ऊपर अर्ज का लेना है। कुछ 44 के आते हैं, कुछ 50 के भी आते हैं, कुछ 60 इंच से ज़्यादा के आते हैं, मतलब अर्ज जो उसमें होता है वो 60 से ज़्यादा ही होते हैं। देखिए ये 60 के करीब है, आपको अगर इससे भी ज़्यादा मिल जाता है तो आप वो लीजिए। इधर से उल्टा है, इधर है सीधा। तो आपको बड़े अर्ज वाला कपड़ा लेना है, छोटे अर्ज वाला नहीं लेना है। बन तो उससे भी जाएगा लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपका कपड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बड़े अर्ज का ही कपड़ा लेके आए। तो आजकल इस वेलवेट के ना कवर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सोफे भी इस तरह के आ रहे हैं जो वेलवेट का कपड़ा लगा होता है सोफे पे। तो अपने सोफे को हर दिन एक नया लुक दीजिए, जब भी कोई पार्टी फंक्शन या कुछ भी हो, तीज त्यौहार या ऐसे भी आप लुक चेंज करना चाहते हैं तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें 2 सिलाई लगाऊंगी। एक तो हमारी सिलाई लगेगी ये जहाँ से कटिंग हुई है ना कपड़े की, पूरा इस पर सिलाई लगा लूंगी। तो आपकी मर्जी, आपको पीको करानी है, इंटरलॉक करानी है या खुद सिलाई लगानी है, वो आपके ऊपर है। और एक लगाएंगे हम इधर, तो हमारी 2 सिलाई लगेंगी इस कपड़े में, बस ज़्यादा सिलाई हमें नहीं लगानी। तो मैं आप लोगों को अब बना के दिखाती हूँ। बता तो बहुत कुछ दिया लेकिन मैं बना के भी दिखाती हूँ, चलिए। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, ये है मेरे पास मेरा सोफा मतलब जो 5 सीटर है। अभी मैं 3 सीटर का ही सोफा कवर बना रही हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि हमारी जो साइड वाली जो सीटें हैं उनके भी कवर किस तरीके से बना सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप देख लीजिए मेरा जो सोफा है कुछ इस तरीके का है। तो इसको काफी दिन हो गए इसी तरह के कवर में मतलब इसी तरह के लुक में देखते देखते, तो आज मैं फाइनली इसका लुक चेंज कर रही हूँ। चलिए फाइनली कपड़े को फैला लेती हूँ और सोफे से नाप लेती हूँ कि कितना मुझे बीच में छोड़ना है और कितने में मुझे सिलाई लगानी है। तो इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें बार बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मशीन मैंने निकालनी है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही सिलाई लगानी है, तो इसलिए मैंने सोफे पे ही रख ली मशीन को और फटाफट सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि फाइनली हमारा सोफा कवर किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। चलिए कवर हमारा रेडी हो गया। देखिए
देखिए, जब हम सोफा कवर का जो कपड़ा नापा लेते हैं ना, तो नापते हैं तो बीच में जितना कपड़ा हमें छोड़ना है प्लेन उतना छोड़ना है, और साइड में जितना भी कपड़ा बचेगा उसमें हमें इस तरीके से प्लेटें लगा देनी है। आपकी मर्जी है आप कितनी प्लेटें लगा रहे हैं। आप चाहें तो पूरे में भी थोड़ी थोड़ी प्लेटें डाल सकते हैं, लेकिन साइड में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और आपका जो सोफा का कवर है ना एकदम प्रॉपर बनेगा। बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये आपने घर पे बनाया है। जो कोई इसे देखेगा वो यही कहेगा कि आपने ऑनलाइन बाहर से मंगाया है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ सोफा कवर लगा रही हूँ और बच्चों की यहाँ पे चल रही है मस्ती। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगी। अगर आप अपने सोफे को पूरा कवर करना चाहते हो, जैसे आगे से आपको दिख रहा है थोड़ा सा उघड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 मीटर लिया है, तो आप 5 से 6 मीटर कपड़ा ले और उससे ये सारा ही कवर हो जाएगा। कवर तो ये अभी भी हो जाएगा जब हम सामने टेबल रखेंगे ना, सेंटर टेबल, तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जब हम इस पे बैठेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे पूरा ही कवर करना है, तो आप 5 से 6 मीटर कपड़ा लेके इसको पूरा कवर कर सकते हैं। देखने में एकदम ऐसे लगेगा कि आपने रियल, मतलब रेड कलर का आपका सोफा ही है, आपने कवर नहीं बनाया, आपका सोफा है। रियल लगेगा बिल्कुल, और रियल तो वो अभी भी लग रहा है, लेकिन फिर और ज्यादा लगेगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे सेट करके दिखा रही हूँ। कवर हमारा हो गया है तैयार, आप लोगों को दिख रही होंगी, बीच में एक भी चुन्नट नहीं है, बीच में बिल्कुल परफेक्ट हमने कवर लगाया है। जो चुन्नट हमने भरी थी वो साइड में आ गई हैं, और साइड में डालने का मतलब ये है मेरा कि जो इसके ये है ना, जहाँ पे हम हाथ रखते हैं, तो वो भी अच्छे से कवर हो गए हैं, और जो सोफा का साइड है ना वो भी कवर हो जाएगी, वो भी गंदी नहीं होगी। और यहाँ पे ले लिया है मैंने नाड़ा, आपके पास कोई रस्सी हो तो उससे भी कर सकते हैं, मोटी सी ऊन हो उससे भी कर सकते हैं। इसे मैं बांध रही हूँ, जो इसके पीछे वाले दोनों कोने हैं ना उसको मैं बांध दूंगी। अब आप सोचोगे कि इसे मैं बांध क्यों नहीं हूँ, तो आपको मैं बता देती हूँ, मैं इसलिए बांध रही हूँ, कुछ घरों में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे सोफे पे कूदते हैं, खेलते हैं, कई बार बैठते हैं, तो वो थोड़ी सी शैतानी करते हैं। तो बच्चे जब बैठते हैं तो सोफे के जो कवर है ना, या तो वो उतर जाते हैं या फिर उनमें सलवटें पड़ जाती हैं। तो आप अगर इस तरीके से बांध के रखोगे ना पीछे, चाहे आपके बच्चे कितने छोटे हों, बड़े हों, चाहे आप खुद बैठ रहे हों, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये सोफे का जो कवर है वो टस से मस नहीं होगा। जैसा आपने बिछाया है वैसा का वैसा ही बिछा रहेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बार बार हम सोफे के कवर को ठीक करते रहें। और कई बार तो क्या होता है, मेहमान आ जाते हैं घर में, उनके सामने मतलब ठीक करना भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आप किसी भी कपड़े के इस तरीके से हत्थे बना लीजिए इसके, ये हाथ पे रखने वाले, और साइड में इस तरीके से डाल दीजिए। आपका जो सोफा का कवर है वो एकदम इतना स्टाइलिश देखेगा, इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा कि जो भी देखेगा ना वो आपसे जरूर पूछेगा कि ये आपने कहाँ से मंगाया। तो मेरे पास 3 से 4 कपड़े हैं कलरफुल, तो वही मैं लगा लगा के देख रही हूँ। आपके पास है तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। अभी मैंने ऐसे ही टेम्परेली रख के दिखाए हैं, आप सिलाई लगा लें चारों तरफ से जब लगाएं, आप कुशन कवर लगा लें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा सोफा, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये सोफे कवर की जो वीडियो है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आगे और लोग भी इस सोफे कवर को बना पाएं और अपने सोफे को स्टाइलिश दिखा पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।